कंप्लेंट्स। सो हमने फाइनली वन प्लस 11R खरीद लिया। सो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। वैसे एक अनबॉक्सिंग तो हम जो है शॉप में ही कर चुके हैं और ये हमने इसे निकाला। इसमें होपफुली कवर और कुछ बुकलेट होंगी। ये रहा फ़ोन। इसको ऐसे ऐसे करने के बजाय इसे यहाँ से पकड़िए और ऐसे उठा लीजिए। इसके बाद फ़ोन संभाल के निकालिए। ये ऐसे रैप्ड अप होगा और देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वी रिकमेंड यूजिंग स्क्रीन प्रोटेक्शन फ्रॉम वन प्लस एंड आवर ऑफिशियल पार्टनर। और मैंने वन प्लस से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम कोई प्रोटेक्टर नहीं भेजते। सो दैट वॉज सैड। सो ये रहा फ़ोन। सो इन ऑल इट्स ग्लोरी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल बट एक्सट्रीमली स्लिपरी। सो बी वेरी केयरफुल। मैंने इसे ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखा देता हूँ। सो ये रहा फ़ोन। और इसके बाद आपको ये सुपर वूक चार्जर मिलेगा 100 वाट का। ये एक ज़बरदस्त मोटी मोटी केबल मिलेगी जो इस चार्जर के साथ यूज़ होगी। और ये रहा क्विकली एक केस जो कि ठीक है, इसके ऊपर ये लगा है, सो आपको पता चल गया कि ये असली केस है। एक वेलकम गाइड नहीं पढ़ना है। ये कुछ स्टिकर्स हैं, जब आप स्किन प्रोटेक्टर लगवाएंगे अगर यूवी वाले तब ये काम आएंगे आपके प्रोटेक्ट करने के लिए। ये रेड केबल क्लब कार्ड है, मैंने आज तक इसे खोल के नहीं देखा। ये कुछ स्टिकर्स रहे एप्पल स्टाइल में, तो इसे कहाँ चपकाना है ये सोचना है। और ये एक क्विक गाइड। सो दैट्स इट। अभी हमारा फ़ोन अनलॉक करते हैं। और ये रहा फ़ोन। सो आप देख सकते हैं फ़ोन बहुत ही सुंदर है और इस पर एंड्रॉयड वर्जन मैंने इसका अपडेट भी कर दिया है। सो आप अबाउट डिवाइस में जाइए, आपको दिखेगा एंड्रॉयड वर्जन 13। सो ये आ गया स्पेसिफिक 13 का फीचर। और इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन। सो मेरे ख्याल से मैंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाल रखा है 13.1। सो यही सॉफ्टवेयर था जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। सो भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसी कोई परेशानी अभी तक नहीं झेलनी पड़ी और मैं इसे स्टोर से ही अपडेट करके लाया था। वन प्लस पे मैं आपको बहुत सारे वीडियो दूंगा टिप्स ट्रिक्स और मेरे कैमरा एक्सपेरिमेंट्स के, तो उसे देखिएगा। मेरी प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए वन प्लस 11R। कवर लगा देने के बाद फ़ोन ऐसा दिखता है। सो इसे तो ऑब्वियसली हटा दिया जाए। और पीछे से तो ये काफ़ी अभी ग्रिप अच्छी हो गई और इसका कवर में ये अच्छी बात है और बुरी भी है कि ये यहाँ पे ऊपर नॉच निकले हुए हैं। सो इसके चलते अगर ये गिरा तो पहला बम्प ये नॉच झेलेगा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद आप जब इसकी प्रोटेक्टर लगवाएंगे तो वो कायदे से सेट नहीं होगा।